प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं तारिक हफीज। नाजरीन, हमारे मुआशरे में जगह जगह पे फ्रॉड होता चला रहा है और लोग नए नए हीले बहाने तराशते हैं और नए तरीकों से लोगों को धोखा देते हैं। इसी किस्म का एक फ्रॉड केस हमने आपको दिखाया। उसके बाद उस फ्रॉड केस के जितने भी मुतासरीन थे उनके साथ क्या सलूक हुआ ये दिखाएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि वो फ्रॉड था क्या। सर, वो मेरे भाई का उस्ताद था, वो थोड़ी सी सलाम दुआ थी उसके साथ। अच्छा। लेकिन कोई उनका पहले कोई फ्रॉड का मसला था, हमें नहीं पता, उसकी वजह से हमारे घर आए, पनाह ली उन लोगों ने। ये अशरफ वगैरह? हाँ जी, अशरफ। कितने लोग थे अशरफ वगैरह पनाह? चार बंदे सर। अच्छा, वो कहीं से फ्रॉड करके आए और आपके घर में पनाह ले ली? जी सर, पनाह ले। भाई के साथ उनके ताल्लुकात थे अशरफ वगैरह के? हाँ जी सर। अच्छा सर, पनाह लेने के बाद उन्होंने मुझे भी ये चांस दिया कि आपको हम बाहर भेजते हैं। इतने पनाह किस किस ने ली? अशरफ ने, उसकी बीवी ने, उसकी दो बेटियां? हाँ जी, उसकी दो। क्या नाम उन दो बेटियों के? सैमा अशरफ और अम्बरीन अशरफ। ये दोनों बेटियां हैं? जी सर। ये जमा साला बेटी है? हाँ जी सर। अच्छा सर, उसके बाद मेरे से 4,30,000 रुपए लिए। आपके घर में उन्होंने पनाह ली और उसके बाद कितना अरसा आपके घर में रहे? सर तकरीबन एक महीना। एक महीना? और आपको ये बात कब की कि आपको बाहर भेजते हैं? लालच कब दिया? सर उसी दौरान उन्होंने लालच दिया। अच्छा, आपने उनको पनाह दी, उनकी आवभगत की, खिदमत की उनकी? जी सर। ठीक है, मुसीबत में उनके काम आए? जी सर। और उन्होंने कहा जी ठीक है आप लोग काम आए, आपको बाहर भेज देते हैं? जी सर। अच्छा, तो उन्होंने कहा आपका खर्चा जो है 4.5 लाख होगा तकरीबन, तो आप ऐसा करें हमें कुछ दें, हम आपका कोई ना बंदोबस्त करते हैं। अच्छा सर, 4,30,000 रुपया लेने के बाद उन्होंने कुछ अरसे बाद हमें स्टाम करके दिया। 4,30,000 आपने एक महीने बाद दे दिया उन्हें, या उसी दौरान जब वो आपके घर में थे? जब बात चल रही थी उन्हीं दिनों में दिया, 4-5 दिन के अंदर अंदर सर। उसका आपने स्टाम भी लिया? जी सर, उसका स्टाम भी लिया, जिसके ऊपर उन्हें दोनों मियाँ बीवी के साइन अंगूठा है, खुद वो लेके आए, उनके आईडी कार्ड पे है स्टाम। अच्छा सर, उसके बाद वक्त गुजरता गया, हम पैसे मांगते रहे, वो मारने पे घर से एक महीने बाद वो चले गए? नहीं सर, फिर उधर ही अपने एरिया में उन्होंने कहा जी हमें मकान लेकर दो, इधर हम उधर नहीं रह सकते, मैं रोजी करने जाता हूँ, मेरी बीवी और बच्चियाँ दोनों अकेली हो जाती हैं। अच्छा, तो उसके बाद सर जब ये मसला हो गया तो फिर हमें मारने की धमकियां देते रहे। नहीं, नहीं, आप तसलसल से बताए ना कि उसके बाद एक महीने बाद आपने मकान किराए पे लेके दे दिया? जी सर, अपने इलाके में। हाँ जी सर। आपके रेफरेंस से उन्हें किराए पे मकान मिल गया? जी सर। ठीक है, उसके बाद वो अपने काम पे चला गया सर, 4,30,000 आपके ले गया? 4,30,000 ले गया सर। 4-5 दिन गैब रहते थे सब। अच्छा। 4-5 दिन बाद आए, हमने पूछा भाई क्या बनाया हमारे काम का, हमें तो फिक्र हो रही है साहब तेरे इतने पैसे ही हैं। ये कितने महीने बाद आपने पूछा? ये तकरीबन सर एक महीने बाद। एक महीने का टाइम दिया था उन्होंने, लेकिन कहता है अभी बातचीत चल रही है बाहर मेरे भाई से, जिस वक्त भी होता है मैं आपको बताता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे। 10-15 दिन का उसने टाइम लिया, 10-15 दिन के बाद फिर जब बात की तो कहता है जी अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मैं आपको कहाँ से दूंगी, इस तरह की जो है ना बातें करता रहा। अच्छा, जब कोई 5-7 दिन गुजरे तो फिर वो मारने पे तुला है, धमकियां देने लग गया, कहता है जी आप मुझे पैसे मांगे तो मैं आपसे आपको मार दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अच्छा, इस तरह की सर बात करते करते जब हमने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी कि हम भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, हाँ, तो दूसरे दिन ही ये लोग मेरे घर आए, मेरे अब्बू को बोला कि हम अपनी बेटी का रिश्ता देते हैं आपके बेटे को। ये पूरी फैमिली आ गई? जी सर। अच्छा, पूरी फैमिली फिर हमारे घर आ गई। रिश्ता किसका? सायमा का या अम्बरीन का? अम्बरीन का सर। अच्छा, सायमा शादीशुदा थी? नहीं, सायमा छोटी है। अच्छा, सायमा छोटी, अम्बरीन बड़ी है? अम्बरीन बड़ी है सर। ठीक है सर, रिश्ते का लालच दिया जिसमें मेरे घर वाले उनके झांसे में आ गए, हालांकि मैं भी खुद उनके झांसे में आ गया, निकाह हो गया। जब एक रिश्ता देते वक्त को कमिटमेंट की थी कि आपको अपनी बेटी के साथ ही बाहर भेज देंगे? हाँ जी सर। अच्छा, ये कमिटमेंट हुई कि हम आपको भी इंशाल्लाह फौरन भेजेंगे बाहर, अगर ना भेज पाए तो आपको पैसे देंगे वापस। अच्छा, और आपके साथ अपनी बेटी को भी बाहर भेजेंगे। तो आपने ये लालच किया कि चलें बेटी भी जाएगी बाहर तो मैं भी चला जाऊंगा? जी सर। ठीक है सर, ये लालच के तहत हो गया सब कुछ। उसके बाद सर जब निकाह हो गया, रुखसत का टाइम आया, तो निकाह में ये जेवर की जो है ना शर्त नहीं थी कि आपने 5 तोले जेवर भी डालना है या नहीं डालना। जब सर रुखसत का टाइम आया तो इन लोगों ने ऐन वक्त इन्होंने कहा जी पहले 5 तोले जेवर दो। लेके गए थे आप बाकायदा? जी सर, बारात लेके गए। कितने लोग थे बारात में? सर काफी थे, तकरीबन कोई 60-70। अच्छा, 60-70 लोग, जिस तरह आम औकात होता है। हाँ जी सर, आम औकात में। सर शादी का भी सारा खर्च जो है वो मैंने अपनी जेब से किया। कितना खर्च किया? तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया सर, वो मैंने अपनी शादी पे लगा दिया। जी सर, उनकी तरफ भी जो भी खर्चा हुआ वो भी मैंने किया। अच्छा सर, जब एन वक्त उन्होंने कहा जी पहले 5 तोले जेवर डाले,
फिर हम रुखसती देंगे। रुखसती से पहले मतलब निकाह हो गया? निकाह हो गया जब रुखसती का टाइम आया तो बरात हम लेके गए। ठीक है, उन्होंने कहा जी पहले जेवर डालें, अगर जेवर नहीं डालते तो आप बरात वापस ले गए। उनको पता था कि ये बड़ी बेइज्जती है अगर बारात वापस। हाँ जी। अच्छा सर, एंड मौके पे हमने 5 तोले जेवर डाले। जेवर था या पैसे दिया? नहीं जेवर था। अच्छा सर, जेवर दिया उनको, जेवर ले डाल के हम रुखसती ले आए। कुछ अरसे बाद पहले मेरे मतलब ये 5 तोले 2.5 लाख तकरीबन आपने 3.25 लाख का जेवर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है सर, पहली दफा जब मेरी बीवी हमला हुई तो इन लोगों ने अबॉर्शन करा दिया। अच्छा, इन लोगों ने कितने अरसे बाद? सर तकरीबन कोई 2 महीने बाद सर। अच्छा, इस बात का सर मुझे पता चला तो ये मेरी जो सास है नसरम बीबी, इन लोगों ने मुझे अपने झांसे में नहीं, ये हो जाता है, कुदरती है, आप बच्चे हो, आप इस चीज़ को नहीं समझते। आपने उनसे कंप्लेन की कि आपने अबॉर्शन किसके कहने? हाँ, किसके कहते? नहीं हमने नहीं, ये कुदरती है, हो जाता है, कोई मसला नहीं है। आगे फिर हो जाएगा अल्लाह। बीबी से ताल्लुकात आपके ठीक रहे? जी सर, 3 महीने तक मजीद मेरे ठीक रहे। अच्छा, उसके बाद वो अपने माँ बाप के कहने पे चलती रही। अच्छा सर, उसके बाद फिर दोबारा जब अबॉर्शन कराया इन लोगों ने तकरीबन 3 महीने बाद फिर। ठीक है, शादी के 2 महीने बाद एक अबॉर्शन पहला करवाया। हाँ जी। उसके बाद 3 महीने बाद फिर करवा दिया? फिर करवा दिया सर। वो भी बगैर पूछे करवाया? वो भी बगैर पूछे करवाया, और कोई लेडी डॉक्टर है उससे करवाया इन लोगों ने। अच्छा सर, उसके बाद जब मैंने बात छेड़ी तो ये लोग मुझे मारने पे तुला, कहते अगर आपने हमारी बेटी नहीं पसानी तो आप ऐसा करें हमारी बेटी को छोड़ दें। अच्छा, मैंने कहा मैं किस वजह पे छोड़ूं, मेरा इतना नुकसान किया है, मुझे जलील किया है, या तो मेरे सब चीज़ें मुझे वापस कर दो, जाके अदालत में स्टाम ले करके दो मुझे कि हम अपनी मर्जी के तहत तलाक ले रहे हैं। कहते नहीं इधर घर बैठ के दोगे। अच्छा। इस वजह से सर मामला तो ख़राब होते रहे। 28/7 को रात को मैं उधर ही था। ठीक है, 28 जुलाई को। हाँ जी, 28 जुलाई को मैंने अपनी बीवी को 2 दफ़ा अपने कमरे में बुलाया। अच्छा, मेरी जो सास और ससुर है इन लोगों ने उसे नहीं आने दिया। जब मैं तीसरी दफा बुला के आऊं तो ये लोग मुझे मारने पे तुल रहे। आसिफ जो कि मुतासरा शख्स है और के साथ फ्रॉड हुआ, इसके साथ साथ उसने इस बात का इजहार भी किया कि उसे कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं, और उसके साथ साथ अगर पुलिस से रुजू किया या मीडिया पर कोई खबर नशर करवाई तो उसको देख लिया जाएगा। हम ये बात समझे थे कि सिर्फ गीदड़ भपकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के अगले ही दिन मुतासरा शख्स यानी आसिफ को जदोकोप का निशाना बनाया और इस बात पे नाराज हुआ कि तुमने मीडिया को क्यों बुलाया या पुलिस के पास क्यों गए। सर जब आप मेरा ये शो रिकॉर्ड करके गए हैं, उस दिन मैं ड्यूटी पे जा रहा था शाम को, हालांकि उस दिन मैं अपना टाइम टेबल चेंज करके निकला हूँ घर से, मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे कौन लगा कौन नहीं लगा। यहाँ से मैं सारा देखभाल के मैं निकला हूँ, जब किला स्तारशाह पहुँचा हूँ तो एक मोटरसाइकिल मेरे इस साइड पर चढ़ गया, एक इस साइड पर, तो उन्होंने मुझे रोका है पिस्टल के दबाव पर, कहते हैं जी रुक जाओ वरना आपको फायर मार देंगे। मुझे रोक के एक ने मेरे पीछे से वार किया, यहाँ पे मारा है मुझे, तो दूसरे ने मुझे उतार के कहता है इसे ऐसी मार दो कि पूरी ज़िंदगी अगर ये बच भी जाए तो मौत के लिए तरसे। मेरी नाजुक जगहों पे जो है ना शदीद उन्होंने तशद्दुद किया और मैं वहाँ पे बेहोश होके गिर पड़ा। उसके बाद सर मुझे नहीं पता, 112 वाले उठा के ले गए हैं मुझे शेखपुरा सिविल हॉस्पिटल में, वहाँ से सर 2 बजे मुझे थाने में लेके आए, तो इन्हें थाने वालों ने कहा जी अभी हमारे पास मुलाजम नहीं है जो आपके साथ हॉस्पिटल में भेजेंगे, सुबह आ जाओ आपको मुलाजम देंगे साथ में जाके मेडिकल करा के आओ। सर अगले दिन गए हैं 9 बजे, वहाँ से मुलाजम लिया मेडिकल के लिए चले गए हैं, वो जो मेडिकल की रिपोर्ट आपको दिखा दी है, अभी मेडिकल करा के हैं, लेकिन सर उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, ना तो किसी पुलिस वाले ने आके पूछा है मेरा हाल कि बंदा बच गया। मेरे लवाइकी उस रात पीछे गए हैं उनके, तो SHO कह रहे जी उसे कुछ भी नहीं हुआ, मामूली सी मार पड़ी है,
उसे कुछ भी नहीं हुआ, बच गया है। सर इससे पहले 3 एप्लीकेशन धमकियों की दी हुई हैं। पहले 1 एप्लीकेशन वैसे दी थी जिस दिन इन्होंने मुझे घर पे मारने की कोशिश की थी, वहाँ से मैं भाग निकला, फिर मैंने एप्लीकेशन दी, उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। नहीं, थाना फैक्ट्री एरिया में नहीं दी, FIA में दी है उसकी दरखास्त। उन्होंने कहा जी हम आपको खुद बुलाएंगे, आपने यहाँ पे नहीं आना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना या हमारा नहीं करना, हम आपको खुद बुलाएंगे। हाँ जी, वो कह रहे हैं जी हम आपको रोक रहे हैं कि अपनी दरखास्तें वापस लो, अपने केस वापस लो, तो आप लोग फिर आगे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आपने क्यों इंटरव्यू दिया मीडिया पे। इस वजह से सर उन्होंने कहा जी, एक बंदा कहता है इसको फैर मार दो, दूसरा कहता है नहीं फैर नहीं, इसको ऐसी मार दो, अगर ये अभी बच भी जाए तो पूरी जिंदगी मौत के लिए तरसे, ताकि ये सही तरह जी ना पाए। इसलिए सर उन्होंने मेरी ये इस नाजुक जगह पे जो है ना शदीद तशद्दुद किया। अभी मैं चलने फिरने से भी रह गया हूँ, 5-6 दिन हो गए। मुझे 2 बंदे वॉशरूम ले जाते हैं उठा के, फिर ला के मंजी चारपाई पे जो है ना बिठा देते हैं। खाना पीना भी जो मैं लेट के ही खाता हूँ, बैठ नहीं सकता। ये सारा हालत हुई है मेरी इन लोगों की वजह से। सर अभी तक 7,80,000 रुपए और 5 तोले सोने, सर 5 तोला सोना जो है उनको दिया। पहले मेरे अकेले का था, निकाह के बाद ही आपकी बीवी को भी आपके साथ भेजेंगे और पैसे दो, फिर 3.5 लाख रुपए और दिए। मेडिकल रिपोर्ट में वही सोजिश और में खून जो आ रहा था वो चीज़ आई है। नहीं सर अभी तक कोई नहीं हुई। अल्ट्रासाउंड कराना था, 2 दफ़ा गया हूँ रचना टाउन हॉस्पिटल में, मेडिकल ऑफिसर छुट्टी पे है, 2 दफ़ा मैं होके आया हूँ वहाँ पे, अल्ट्रासाउंड नहीं हो सका। अल्ट्रासाउंड ना होने की वजह से रिपोर्ट अभी तक मेरी ना मुकम्मल है। 1-2 दफ़ा मेरे घर उन्होंने फ़ोन किया, मेरे अब्बू को कहते हैं जी आप इसको समझा लें, इसकी इसको अपनी जान की ज़रूरत नहीं है क्या, ये क्यों इस तरह कर रहा है, बैठ जाए केस वापस ले ले, क्यों नहीं लेता वापस। आगे मेरे घर वालों ने कहा जी आप उसका जो कुछ भी है वो वापस कर दें, वो बैठ जाता है आप लिख के दे दें कि हमने जो कुछ लिया था इसे हमने वापस किया है इसे। जब ये दोबारा मेरे साथ हुआ है, ये हमला करने के बाद आज 5-6 दिन हो गए हैं, कोई उनका मैसेज कोई कॉल या कोई मुझसे रब्ता कोई, क्यों मैं घर से बाहर निकला नहीं हूँ, जब मैं निकलता हूँ तो वो मुझे बाहर पकड़ते हैं। 15 पर कॉल भी की है, 2-3 दफ़ा से कॉल की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस दिन ये हादसा हुआ उससे 1 दिन पहले भी उन्होंने मुझे रोका है नबीपुर जाते हुए, उन्होंने ये अखबार दिखाया मुझे कि आपने हमें आपको रोका था, दरखास्तें दो, दरखास्तें वापस लो, फिर आपने अखबार पे अपना बयान रिकॉर्ड कराया, क्यों कराया। तो उन्होंने कहा अगर 2 दिन के अंदर आपने नहीं आराम से बैठे तो हम आपको जान से मार देंगे। सर अगले दिन मैंने बयान रिकॉर्ड करा दिया मीडिया पे, थाने वाले मेरी बात नहीं सुन रहे, मैंने अपनी जान भी तो बचानी है सर, क्यों मैंने अपने हाथों से दिया हलाल की कमाई है, वो मैं छोड़ नहीं सकता इन लोगों को। तो मीडिया पे बयान दिया तो उस वजह से उन लोगों ने मेरा ये हाल कर दिया। सर मैं इंसाफ चाहता हूँ ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके मेरा जो कुछ भी है मुझे वापस दिलाया जाए और इन लोगों से मेरी जान बचाई जाए, मेरी जान को बहुत खतरा है सर।